पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 8,903 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 1,504 तक पहुंच चुकी है। ऑल इज वेल आज राहत भरी खबर ये रही कि आज फिर 122 लोग कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 7,173। बता दें कि इसी के साथ डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 80.57% दर्ज की गई है। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल हैं पनवेल से 16, न्यू पनवेल से 21, कलम्बोली से 29, कामोठे से 34, खारघर से 19 और तलोजा से 3। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत आज कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि कलम्बोली में अब तक 18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 0, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 29। कामोठे में आज 28 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 2, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 34। खारघर में आज 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 3, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 19। न्यू पनवेल में आज 32 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 4, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 21। पनवेल में आज 18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 1, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 16। तलोजा में आज 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 1, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 3। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत अब तक कुल 8,903 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 226, रिकवर्ड केसों की संख्या 7,173 और एक्टिव केसों की संख्या 1,504 तक पहुँच चुकी है। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से अब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत किन किन शहरों में कोरोना संक्रमण का क्या रहा आंकड़ा, एक्टिव केसों का क्या रहा ग्राफ। बता दें कि कलम्बोली में अब तक कुल 1,625 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, वहीं एक्टिव केसों की संख्या यहां पर है 355। कामोठे में अब तक 1,898 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई, एक्टिव केसों की संख्या यहां पर है 343। खारघर में 1,727 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया मगर एक्टिव केसों की यहां पर संख्या है 307। न्यू पनवेल में 1,585 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक्टिव केसों की संख्या रही 407। पनवेल में 1,536 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक्टिव केसों की संख्या रही सबसे कम 24 और तलोजा में 532 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक्टिव केसों की संख्या रही 68। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न शहरों में कोरोना संक्रमण से मृत्यु का क्या रहा ग्राफ, रिकवर्ड केसों की क्या रही संख्या। बता दें कि कलम्बोली में अब तक कुल 37 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 1,233। कामोठे में अब तक 53 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 1,502। खारघर में अब तक 23 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 1,397। न्यू पनवेल में अब तक 51 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 1,127। पनवेल में अब तक 47 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 1,465 और तलोजा में अब तक 15 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, रिकवर्ड केसों की संख्या है 449। दुखद घटना। बता दें कि आज पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा 11 दर्ज किया गया है और इसी के साथ मृत्यु का कुल आंकड़ा 226 तक पहुंच चुका है। मृतकों में शामिल है कामोठे महावीर वास्तु बी विंग प्लॉट नंबर 9 सेक्टर 8 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, न्यू पनवेल तेजल यमुना सोसाइटी प्लॉट नंबर 5455 सेक्टर 4 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत,
बता दें कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी है, मगर उन मृतकों की जानकारी आज आके महानगर पालिका ने अपनी सूची में शामिल की है। और इसी के साथ इसमें शामिल है पनवेल जामा मस्जिद पटेल मोहल्ला के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, खांधा कॉलोनी विघ्नहर्ता कॉम्प्लेक्स ए विंग प्लॉट नंबर 7 सेक्टर 1 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, खांधा कॉलोनी हरि ओम अपार्टमेंट बी विंग सेक्टर 9 प्लॉट नंबर 9 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, खांधा कॉलोनी पीएल 5 सेक्टर 10 गणेश अपार्टमेंट के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, कामोठे शीरसागर सोसाइटी प्लॉट नंबर 5 सेक्टर 6 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, खारगा शांति निकेतन सोसाइटी सेक्टर 8 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, खारगर आर्यन सोसाइटी प्लॉट नंबर 50 के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, खारगर महालक्ष्मी सोसाइटी सेक्टर 15 घरखूल के रहवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, तलोजा धरना कैंप घर क्रमांक 79 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत। तो चलिए डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड-19 टेस्ट जनसंख्या 30,829, कोरोना के कुल मरीज 8,903, कोरोना के एक्टिव केस 1,504, कोरोना रिपोर्ट प्रलंबित सिर्फ 2, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 7,173 और कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 226। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क।